गाइस, यू वेलकम ऑन माय चैनल इंडियन मॉम फॉरएवर। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं जॉयफुल स्टूडियो की तरफ से इस 4 रैक ड्रॉअर का। ये ड्रॉअर प्लास्टिक के अंदर आती है और आप इसको आराम से घर पर बना सकते हैं। इसके सारे पार्ट्स अलग अलग आते हैं और काफ़ी अच्छी मजबूत ड्रॉअर है। इसकी MRP 2090 रुपये है, बट मुझे डिस्काउंट के बाद में ये 1350 रुपये में पड़ा। और अगर आप भी इसका ऑन डेट डिस्काउंटेड प्राइस जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। इस ड्रॉअर के सारे पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं और आप वापस से इसको बना भी सकते हैं। इसमें कोई स्क्रूज वगैरह नहीं है, तो अगर आप शिफ्टिंग वगैरह करते हैं या ट्रांसफरेबल जॉब में है या आपको कुछ ऐसा फर्नीचर पसंद आता है जो कि इजी टू मेंटेन हो, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इसको आराम से क्लीन कर सकते हैं, गंदा भी नहीं होता है और बहुत ही मॉड्यूलर लुक देता है। ऑर्गेनाइज तरीके से अगर हम अपने सारे सामान को रखते हैं तो बहुत ही अच्छा भी फील होता है और ये सारा सामान जो है वो प्रोटेक्ट भी रहता है। ये कहीं से भी ओपन नहीं है, हर जगह से यहाँ से पूरा सील हो जाता है, तो इसमें इतनी स्पेस नहीं रहती है कि कोई भी इंसेक्ट वगैरह इसमें आ सके। तो यहाँ पे आराम से अपना काफ़ी सारा सामान आप इसमें रख सकते हैं। ये बहुत ही इजी टू असेंबल है और इसका जो प्लास्टिक की क्वालिटी अगर हम बात करें तो इसके अंदर बहुत ही हाई क्वालिटी प्लास्टिक का यूज़ हुआ है, तो ये बहुत मजबूत है। इससे पहले भी मैंने जॉयफुल स्टूडियो की तरफ से ऐसा ही एक शेल्फ परचेज किया था और वो अभी भी मेरे पास है। काफ़ी टाइम हो गया है उसको, 2-3 साल हो गए हैं और उसमें मैं काफ़ी सारे अपने जो टूल्स वगैरह है वो रखती हूँ, तो उसमें कोई अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई है। इसके अंदर बहुत ही एम्पल स्पेस है, आप अपने सामान इसमें रख सकते हैं। बस इसका जो एक ड्रॉअर है उसके अंदर आप 4 kg से ज़्यादा का वेट ना रखें। मैंने ये ड्रॉअर पूजा घर के लिए मंगवाई है, लेकिन आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस में या आप अपने किचन में इसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ भी आपकी मन करे वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप इसको सनलाइट में कभी ना रखें और इसके जो पार्ट्स हैं वो प्लास्टिक से बना हुआ है, तो इसके ऊपर कोई भी शार्प एजेस वाली चीज़ नहीं लगे, तो इस पर स्क्रैच भी नहीं आते हैं। तो ये तो बात हो गई ये ड्रॉअर की, अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप आराम से इसका जो एक शेल्फ है उसको बाहर निकाल सकते हैं और ये देखिए आप शेल्फ पे जो कलर्स हैं वो भी बहुत ब्यूटीफुल हैं। यहाँ पर एम्पल स्टोरेज यहाँ पर दिया हुआ है, शेल्फ को अंदर और बाहर डालने और निकालने के लिए यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पे ग्रिप दी हुई है। और इसका जो स्टैंड है वो भी आप आराम से इस तरीके से पूरा का पूरा ये असेंबल से डिसअसेंबल हो जाता है, तो आप आराम से पूरा का पूरा इसको क्लीन कर सकते हैं। और आप अगर रेगुलर क्लीनिंग करते हैं तो आप इसको सूखे ड्राई क्लोथ से भी आराम से इसके ऊपर से अगर डस्ट आती है तो वो क्लीन हो जाती है। और अगर आप बहुत दिनों में इसको क्लीन करते हैं तो वेट कपड़े से इसको क्लीन कर लीजिए और बस ये क्लीन हो जाती है। बहुत ही कम मेंटेनेंस है इसका। ये ड्रॉप बहुत ही एलिगेंट और ब्यूटीफुल है और साथ ही साथ बहुत सारे मल्टीपर्पज यूजेस आप इसके थ्रू अपने कर सकते हैं। इसके अंदर इतने ब्यूटीफुल कलर के ड्रॉअर्स रखे गए हैं जो सबको बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसको एज ए गिफ्टिंग ऑप्शन भी आप इसको देख सकते हैं, बहुत अच्छा गिफ्ट ये हो सकता है। और मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस ड्रॉअर के साथ। इससे पहले मैंने एक और दूसरा कंपनी का ड्रॉअर खरीदा था अमेजोन सोलिमो का, लेकिन उसका जो प्लास्टिक का क्वालिटी है वो बहुत ख़राब था। मैंने उसके 2 सेट मंगवाए थे लेकिन उसमें से एक टूटा हुआ निकल आया था और एक जो बिल्कुल ठीक कंडीशन में था वो भी मुझे बहुत कमजोर क्वालिटी का प्लास्टिक लगा। तो ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल डिजाइन है, इसमें नीचे की तरफ फुट दिए हुए हैं जिसकी वजह से आप इसके नीचे भी आराम से क्लीनिंग कर सकते हैं। ये ड्रॉअर को परचेज करने के बाद में मुझे काफी अच्छा लगा, वैल्यू फॉर मनी डील है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।